भद्रम चल के गोदौलिया का पनावा खियादा हे राजा हमके बनारस घुमायदा बहुत अच्छे दर्शन हुए अंदर हे गाइस वेलकम बैक टू द अनदर व्लॉग। आज है 18th ऑफ जनवरी, शाम के बज चुके हैं 4 और अब हम जा रहे हैं दिल्ली जा रहे हैं पहले तो, और दिल्ली से हमारी ट्रेन है काशी के लिए, बनारस के लिए। मैं पहली बार जा रहा हूँ और हमारे साथ जा रहे हैं 7-8 दोस्त हैं जिनमें से जानता मैं एक को ही हूँ अभी, तो जाके उनसे भी मिलवाएंगे और जैसे जैसा भी होगा दिखाते रहेंगे। 12 ज्योतिर्लिंग में से पहला ज्योतिर्लिंग मैं करने जा रहा हूँ, अगर भोले बाबा ने चाहा तो हम 12 के 12 भी करेंगे इसी साल, नहीं मतलब टाइम लगाएंगे जैसे जैसा होगा, जैसी उनकी मर्जी होगी। और अभी हम स्टेशन पे चलते हैं पहले, और अभी हमें ट्रेन का नहीं पता कौन सी पे जा रहे हैं, उसके बाद रात को 8 बजे की ट्रेन है। आपको इन्फॉर्मेशन भी देता जाऊंगा कि आप कैसे जा सकते हो, अगर करनाल से ही हो तो या आसपास से हो। दिल्ली से ट्रेन है शिव गंगा, रात को 8 बजे, सुबह 6 बजे पहुंचाएगी, और नहीं पहुंचाती टाइम से तो बता दूंगा। तो अब हम चलते हैं पहले दिल्ली, पहले स्टेशन पे सबसे मिलवा देता हूं अगर मिलता है कोई मेरे से तो, ठीक है, नहीं तो राहुल छाबड़ा है जो अगर रामनगर वाले तो जानते होगी, शूज की शॉप है उनकी, जैसे जैसा होगा दिखाते रहेंगे। चलो, और गाइस ठंड बहुत है इधर और वहाँ का पता नहीं, कपड़े हम बड़े सारे लेके जा रहे हैं क्योंकि सर्दी है और गर्मी भी है वहाँ पे। आज मैंने इधर टेम्परेचर चेक किया तो सेम है यहाँ का भी और वहाँ का भी, और यहाँ बहुत ज्यादा ठंड है, इसलिए मैंने कैप वगैरह सब रेडी हो गए, मगर जाके सोना तो है ही। तो अब देखते हैं, 2 व्लॉग बनाएंगे, डे 1 का डे 2 का, बस पहुंचते ही उसके बाद डे 1 जो होगा फिर डे 2, 2 व्लॉग ही बनेंगे, इसी में आप डे 1 देखोगे, तो लास्ट तक देखना और कॉमेंट्स करके बताना। गाइस ट्रेन आने वाली है हमारी, 4:20 का टाइम हो गया, इनका किस चीज का काम है ये तो हो पढ़ रहे अभी। अच्छा पढ़ रहे हैं, ये दयाल सिंह कॉलेज। और भैया का कोई काम नहीं है। और आपका भैया ये जूस है, जूस है। और भैया काम है, नाम है मेरा हनी कालड़ा और हमें करनाल से, रामनगर से सबसे। और भाई आप लक्ष्य लूथरा का काम है, सबसे ज्यादा बेचते हैं डेंगू के कुछ में। डेंगू क्या होता है? चलो ठीक है, ये भी याद रखना। तमिल में, मतलब तमिल में पूछ रहे हैं, तमिल में काउंटिंग है। बोलो इससे 10 तक गिनती। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ठीक है, ये तमिल में है। चलो जी, मैं बोल रहा हूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये तमिल में, आपने कोई और भाषा बोली है, अब सुन लो ये भी। वो कन्नड़ बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं दोनों तमिल में है। ये जो सी बोल रहा है तमिल है, बोलिए बड़ी कौन सी है? ये तमिल नहीं अंकल। ले अब सुन, अब गूगल गूगल पे मैं सर्च कर लेता हूं, गूगल में आया गूगल 1 to 10 काउंटिंग इन तमिल भाषा ऑन वॉइस है। मैं 8 साल रहा हूं वहां पे। चल वापसी होए करनाल तू, ये ले समझते तमिल लिखे गया ऊपर, समझ रहा है? समझ रहा है कि नहीं समझ रहा? कितने टाइम रह के आयो? 1.5 महीना अभी 6 महीने बोला है भाई। हिंदी बोली आती है गाइस, तमिल सीख रहे हैं गाइस। हम पहुंच चुके दिल्ली और हमारे साथ नए भाई भी जुड़े हैं, और अब यार बढ़िया सी सीट दिलवा देना गाइस। हम नेक्स्ट ट्रेन पे बैठ चुके हैं जो है सीधी दिल्ली से बनारस। हेलो गाइस, डिनर कर लो गाइस, हम 2 ही कर रहे हैं बस अभी डिनर, हमें ज्यादा भूख लग रही है, अभी टाइम हो चुका है 9 बज चुके हैं। और क्या अपडेट है? हाँ ऊपर कंजेस्टेड होके बैठ गया, हमें भूख लग रही है क्योंकि। ओके मिलते हैं थोड़ी देर में, कुछ भी अपडेट होता है तो। आधे घंटे बाद क्या है? गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह के बज चुके हैं, कितने बजे हैं? सुबह के 8 बज चुके हैं और हम 7:30 प्रयागराज से चल पड़े, ट्रेन 2 घंटे लेट थी। अब हम आपको बनारस पहुंच कर दिखाएंगे, ये देख लो हाल एसी के बाहर का कौन है। सो गाइस फाइनली वी आर इन बनारस, तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया, मेरे साथ आके एंजॉय लाइफ। हमारे साथ कुछ बदमाश लोग भी आए हैं, वो पीछे रह गए हैं, वो देखो दिख रहे हैं आपको पीछे पीछे हैं, पीछे पीछे ये नहीं। ये तो शरीफ है बेचारे। कदम तो राखो काशी में, तर जाओगे काशी में।
बस गाइस स्टेशन से निकलते ही और अब हम जा रहे हैं। हेलो हेलो गाइस, वेलकम टू बनारस। ओ भैया अब हम निकल रहे हैं होटल की तरफ। होटल की तरफ की है ना पक्का? बुक है होटल? बुक नहीं है, करेंगे हम जाके। यहाँ पे बहुत ठंड है और कई लोगों ने कहा था कि टी शर्ट ले जाओ, बहुत गर्मी है। वो लोग मुंह छुपाते हुए ठंड है। शुक्र है ले आया कुछ मोटी मोटी जैकेट। गाइस हमने रूम ले लिया है। रूम का होटल का नाम क्या है? सिंह होटल। ये किसके पास है? आसपास मंदिर के पास ही है। और 5-bed रूम है ये। एक और रूम लेंगे अभी। अब चलते हैं, चाय चोय पीते हैं, फिर आगे दिखाते हैं। हाँ, बाहर आप होटल देख लो कैसा है। ये देना कैसा भाई साहब, अलग ही अजीब सी फील है भाई। तो डिमांड आपकी डिमांड क्या थी भाई? हाँ जी आपकी। हाँ जी छाबड़ा जी मिक्स। ठीक है आप ठीक है। इनके घर में महीने में एक बार पनीर बनता हो, लेकिन खाने पनीर के परोंठे हैं इन्होंने। हाँ जी अतुल जी आपने। हाँ जी सर आपने। हाँ जी आप 20-25 मिनट नीर का। ठीक ठीक आधा घंटा। मना करते हैं। आपने क्या मंगाया था भाई? कुछ नहीं मंगाया, वो देंगे नहीं राजी, हम क्या खाएंगे। चलो बाहर खा के आते हैं। मैंने तो भाई चाय पिया भाई, मेरा दिल कर रहा था चाय पीने का, बस इसलिए मैंने चाय पिया। शुगर करो भी नजर लगाई है मैंने। हमें बदनाम करके परोंठे और खुद खा रहे हैं कचौड़ी। उत्पम है और ओनियन डोसा है और इडली है। एक एक इडली भैया सबको खिला दे, 8 इडलियां दे दे, पहले एक खा के देख भाई। टेस्टर कौन है यहाँ पे? टेस्टर वो है जिसका खुद का टेस्ट नहीं है। बोले बाबा काम करे से तू कोई ना कोई वाल बहुत जबरदस्त चीज बन गई यार, इसलिए बाहर आने का ही फायदा होता है। कहाँ आप लोग रूम लिए? ये सिंगल होटल में बगल में ना, 2:30 बजे निकल जाइएगा। 2:30 बजे जाएंगे, भीड़ इस टाइम नॉर्मल है। आप मोबाइल अंदर जमा करिए, किसी का चक्कर मत पड़िएगा। वो कहेगा फ्री में मोबाइल ब्लॉकर है। आप नहीं, एकदम अंदर चले जाइएगा। अंदर आपको दूध भी मिलेगा, मतलब जो चढ़ाना है अंदर मिलेगा। और मोबाइल फ्री में जमा करिए, शूज जमा करिए, कोई स्मोकिंग उसमें सामान मत लीजिएगा, गुटखा उड़का कुछ नहीं, पेन उन सब जमा कर दीजिएगा। अंदर जाइए, दर्शन करिए, इस पर दर्शन करिए। करने के बाद उसी जगह पे जो है अंदर किसी पिछली का मनकंडा घाट जाना है। अंदर ही अंदर चले जाएंगे, आपको दिख जाएगा, फोटो शूट करिए। फिर उधर ही से घाट आप चले जाइए काल भैरव मंदिर, मोबाइल वोबाइल लेकर 3 या 4 घाट बाद काल भैरव मंदिर आ जाएगा। वहाँ पे दर्शन करने के बाद आइए अपना होटल पे। उसके बाद यहाँ पे तमाम घूमने का जगह है। टेस्ट कैसा लगा भाइयों? टेस्ट बिल्कुल जबरदस्त है। कैसा लगा टेस्ट? चटनी डलवा पक्का भैया आपकी। ये कौन नहीं भाई, जेन्युइनली अच्छा था। और कौन से चौक पे खड़े हो भैया? रामापुरा रामापुरा बोलेंगे। अच्छा भगोड़े घोषित हो जाओगे? भगोड़े घोषित हो जाओ भाई। इस चौक पे हैं, देख सकते हो आप, इसका गिरजाघर चौक है और एक कोने पे बहुत बढ़िया बनाया है, बहुत बढ़िया। बाबा जी के नाम से फेमस है। बाबा जी कहेंगे वो भैया के पास ले आएंगे। गाइस कॉफी पी लो, बहुत टेस्टी है। फोटो शूट होते हुए ये बात भाई, कंगी आ रही है पीछे फिर दो फोटो के। उधर देख उधर हो चुके हैं और ये है दूसरा रूम। ये इग्नोर करो, यहाँ से जो व्यू है वो दिखा देता हूँ आपको। ये देखो वाह, धूप निकल चुकी है, इसीलिए हमने बोरे वगैरह नहीं डाले, बस नॉर्मल। ये देखो OTD, ठीक है। और अब हम चलते हैं मार्केट, घूमते हैं, जैसा होगा दिखाते रहेंगे। मंदिर तो जाएंगे 2 या 3 बजे, मार्केट घूम लेते हैं पहले। गाइस ये बिल्कुल मथुरा जैसे लग रहा है कि जब जन्मभूमि आती है ना तो ऐसा ही बैरिकेड्स वगैरह, अंदर कोई व्हीकल अलाउड नहीं। यहाँ पे भी ऐसा ही है सेम, बस अब वॉकिंग डिस्टेंस पे ही मंदिर है। देखते हैं कैसा कैसा होता है। ये क्या भैया, ये जो बड़ा है क्या ये? लौंगलता नाम इसका। लौंगलता तो इसको मीठा समोसा बहुत लोग बोलते हैं। मीठा समोसा यहाँ का फेमस है लौंगलता। बाकी भाई का खाना जो है बहुत अच्छा है। हाँ, डोकला बहुत टेस्टी है, गाजर भी बहुत मलाई वाला है, लाइट मीठा और अच्छा। काशी अन्नपूर्णा अन्न क्षेत्र ट्रस्ट। लंगर खाएंगे, लंगर जय बोलेगी जय बोलेगी जय बोलेगी।
गाइज अभी हमने खाया लंगर, आपको मैंने पिछले इक्लिप्स में दिखाया अंदर अलाउड नहीं था कैमरा, एक नंबर, मतलब आप आओगे ना रिग्रेट नहीं करोगे ये वाला डिसीजन आप लंगर खाने वाला। कैसा लगा आपको? बहुत जबरदस्त, हाथों से अल्टीमेट, हाथों से खाना था और ये बाबूजी ने पहला कोई काम है जो अभी तक सही किया, मतलब मजा आ गया और बहुत मजा आया, बहुत टेस्टी था। और एक बंदे से पूछते हैं जो वहाँ अंदर चम्मच मांग रहे थे, चम्मच नहीं मिले तो आप कितने की भी पर्ची कटवा सकते हो। और जगन्नाथ जी की देखो फोटो भी देखते हो, अन्नपूर्णा माता जी की, हाँ तो यहाँ जरूर विजिट करना, आओ तो जरूर होके आना। हम रिव्यू ले रहे हैं तो कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया लगा और बहुत इंजॉय किया, और इंजॉय किया उनका खाना। एक तो लंगर होता है, एक लंगर है बहुत टेस्टी लंगर जिसे खा के मतलब बार बार खाने का मन किया। जेन्युइन रिव्यू है कोई इसमें? नहीं, बहुत अच्छा रिव्यू, मतलब बहुत अच्छा। चम्मच मांग रहे थे तो उसके बाद तो नीड नहीं लगी। यहाँ पे ऐसा था कि हमें पता नहीं था कि चम्मच नहीं मिलेगा, हाथ से खाना होगा, तो मैंने दो बारी ट्राई किया चम्मच लेने के लिए बट नहीं मिला, हाथ से ही खाना पड़ा। और हाथ से खाने के बाद जब खाया तो फिर उसे दो बारी हाथ से ही खाया, दो बार लेके दोनों बार हाथ से खाया। कहने का मतलब ये है कि हाथ से खाने का और ही मजा था। ये है मंदिर ही है अभी? अच्छा मंदिर ही है, ऐसा नहीं था, ये दीवारें दूर से अब बनी है। ओके, अंदर ये सारा नवा नवा बना है अभी, ठीक है। आपने पुराना देखा हुआ है? अच्छा, विष्णु भगवान जी, मोक्षर महादेव, सिद्धि गणपति जी, राज राजेश्वर महादेव जी, दंडा पानी महादेव जी और मार्कंडेय महादेव, जय हो। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, तब बनाया जाता है मंदिर, है ना? तो कहने का मतलब है कि 2024 में भी उनको ही लाना है। एक कट्टर बीजेपी सपोर्टर। यह है गेट नंबर 4, विश्वनाथ द्वार का गेट नंबर 4 आपको बताया, जैसे कि ये है, और नॉर्मल एंट्री इसके लेफ्ट साइड से होगी। हर हर महादेव। पहले मतलब कच्चा था सारा मोदी, ये कॉरिडोर में फोन लाउड है क्या? हाँ हाँ, अभी देखते हैं ना क्या बनता है। अच्छा ठीक है, सामने से ही आए हैं अभी गाइस। अंदर फोन कैमरा कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स अलाउड नहीं है, तो बस फोन जमा कराएंगे और बाहर आके एक्सपीरियंस देंगे गाइस। और 4 से 6 स्पर्श दर्शन होंगे। स्पर्श दर्शन मतलब हम अंदर जाके शिवलिंग को मत्था टेक सकते हैं, मतलब उससे पहले जो होता है वो जस्ट बाहर से ही जाओ, लाइन्स बनी होती हैं वो वहीं से ही जाओ। तो अब हम स्पर्श दर्शन करने जा रहे हैं, तो 4 से 6 जी बाबा जी भक्त में माला है, माला पता चढ़ जाएगा और आपको प्रसाद कर जाएगा। गाइस बहुत अच्छे दर्शन हुए अंदर अंदर, और अब भीड़ देखो। कैसा रहा, कैसे दर्शन? कैसा, एक नंबर मस्त, बहुत बढ़िया दर्शन हुए अंदर। ज्यादा भीड़ हो गई है, अब ज्यादा भीड़ हो गया अंदर। जो आपको मैं बाहर से दिखाता हूँ, वेट। ये वो मस्जिद है जो ज्ञानवापी मस्जिद है, जो टूटनी है अभी, इसके ऊपर मतलब मुकदमा हुआ है। और ये अंदर जाके ऐसे मंदिर है, अंदर फोन अलाउड नहीं था, तो आप ये ऐसे देख सकते हो। मैं हो सकेगा ट्राई करूंगा गेट नंबर 1 से ट्राई करूंगा थोड़ी सी क्लिप लेने की, तो बहुत अच्छा लगा। ये देखो अब भीड़। अब हम चल रहे हैं मणिकर्णिका घाट, जहाँ पे लस्सी पेड़े खाएंगे, वहाँ पे लस्सी पेड़े खाएंगे, और जहाँ पे दिन और रात संस्कार होते हैं। पार्वती माता ने बोला था कि यहाँ संस्कार होते रहेंगे, मतलब यहाँ अग्नि नहीं शांत होगी, अग्नि शांत होगी। कौन से वाली? मणिकर्णिका घाट जा रहे हैं, जहाँ पे हमें अपनी असलियत देखने जा रहेगी। कुछ टाइम बाद जो भी कल परसों जब भी हमारा जब अंतिम समय आएगा, तो क्या हम फील करेंगे उस टाइम पे, हम अपने आंखों से देखने जा रहे हैं जो ट्रू है, जो हम जिसको हम मानते नहीं है रियल लाइफ में, वो देखने जा रहे हैं। ये है मणिकर्णिका द्वार। अब हम बीरे लस्सी मणिकर्णिका घाट जा रहे थे भाई साहब, अभी तो हम पक्का तो जगह कौन सी है ये? कमीशन तो नहीं है ना? हाँ ये क्या है ऐसा? कोरियन फेमस किस में? आपको अच्छा लगेगा तो फेमस। नहीं नहीं, मैं कोरियन, यहाँ आपने कोरियन लिखा हुआ ना, राजा राम ने कोरियन लिखा हुआ। शुद्ध काम करने हमने सारे करते, शुद्ध काम करने आए हैं, तृप्त होने आए, तृप्त हमें तृप्त कर दो। मेरा नाम ले दो, हाँ हाँ मेरी घर में भी डालना है। मणिकर्णिका घाट की तरफ जाते हुए हम, और ये पतली पतली गलियां, ये वृंदावन जैसे कुंज गलियां है ना, वैसे वैसे ही गलियां, ये पतली पतली, बहुत सुंदर वाइब। हाँ इनकी अलग वीडियो बन रही है, मेरे को भी दिखा दे।
मंदिर है, देखो कितने पुराने पुराने, यहाँ भी शिवलिंग है। ये देखो गाइज, ये है मणिकर्णिका घाट और यहाँ पर डेड बॉडीज जलती रहती हैं, मतलब 24 घंटे। आपने अभी एक देखा तो ऐसे ही पूरा दिन ऐसे ही होता रहता है। यहाँ पार्वती मैया ने वो दिया था श्राप कि यहाँ पे कभी भी अग्नि बुझेगी नहीं। हाँ, चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, जय हो जय हो, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। गाइज ये देखो, ये मंदिर ही टेढ़ा है, ये शुरू से ही ऐसे है। ये वाली जो खिड़कियां बनी हुई हैं, ये वाली है। ये देख रहे ना ऊपर बना हुआ है, इतना डूब जाता है, दिखता रहता है कभी। और वहाँ पे वो जो पेड़ दिख रहे हैं, ये वो वाले, जब गर्मियों में जब बाढ़ होती है, जब बारिश आती है बहुत, जैसे हमारे वहाँ पूरी फूल होती है अंदर तक। अच्छा, ये सारा सारा तहर जाता है, मतलब अंदर आ जाता है। ये भी तो पुराना कोई मंदिर होगा जो टेढ़ा हुआ है अब। ये तो स्टार्टिंग से टेढ़ा था, स्टार्टिंग से टेढ़ा। ये पूरा मंदिर ही टेढ़ा है, जैसा कि यहाँ के लोग बता रहे हैं कि यहाँ ये इसका जो टॉप है ये थोड़ा सा रह जाता है, ये इतना सा जब बाढ़ वाले आसार हो जाते हैं। और यहाँ पे जो विंडो है ये सामने वाली, ये पूरी बराबर आ जाती है। सिंधिया घाट आजो आजो, पैदल घूमते आजो। ये देखो ऊपर हो रहे हैं संस्कार। ये सब संस्कार हो रहे हैं। हाँ, सूरज मूवी है, मैंने देखी है वो, बॉडी खतरनाक है। यही आ गया याद मेरे को, वो वेब सीरीज यही की शूट है। मैंने खुद देखी है वो असुर, बड़ी असुर। हाँ, छोटा सा बच्चा वो बनता है, कुछ रखा नहीं हुआ। हाँ, यहाँ पे मेरे घर में रखते हैं। मणिकर्णिका घाट, जन्म मरण के पार बसी यह है।